नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स के बीच विभिन्न मुद्दों पर AI, डिजिटल पेमेंट आदि पर विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसका एक वीडियो आज जारी किया जाएगा। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हाल के दिनों में भारत का दौरा किया था, जहाँ बिल गेट्स ने PM मोदी से मुलाकात की थी। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रहे हैं। ये दिन ईसा मसीह के बलिदान और उन्हें याद करने का दिन है। इस दिन लोग काले कपड़े पहनते हैं और चर्च जाते हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी आज गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार करने के लिए थराली पहुंचेंगे, जहां वे रामलीला मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बढ़ी मुश्किलें। अभिनेत्री और मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनावत पर टिप्पणी करने के मामले पर चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण, जहां चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का बताया उल्लंघन। आयोग ने आज शाम तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। बांदा जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की कल देर रात मौत हो गई। जी हां, कल रोजा के दौरान इफ्तार के वक्त उनका तबियत बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिहार की सीटों को लेकर INDY गठबंधन में बातचीत जारी है। वहीं खबर है कि सीट बंटवारे का ऐलान आज पटना में किया जाएगा, जहां RJD 36, कांग्रेस 9 और वाम पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है। साथ ही पूर्णिया लोकसभा सीट RJD के पास ही रहने की उम्मीद है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहाँ वे लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। चुनाव आयोग ने बंगाल से BJP नेता दिलीप घोष को उनकी टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका आज उन्हें जवाब देने को कहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बंगाल BJP के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करते हुए सुना गया था। IPL 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच धमाकेदार मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां RCB ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया था, जबकि KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से मात दी थी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शामली कैराना पौराणिक और ऐतिहासिक धरा है। उन्होंने इतिहास का उतार चढ़ाव देखा है तो इतिहास को बनते भी देखा है। इस धरा को मैं नमन करता हूं। CM योगी ने कहा कि वोट में बहुत ताकत होती है। जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है। जब वोट सही हाथ में जाता है तो कांवर यात्रा निकलती है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी को साथ लेकर चिराग पासवान गुरुवार को अचानक नीतीश कुमार के घर पहुंच गए, जहां इस मुलाकात के दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य संजय झा भी मौजूद थे। इस मुलाकात के माध्यम से NDA ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके खेमे में किसी तरह का असंतोष नहीं है। पश्चिमी दिल्ली से BJP सांसद हंसराज हंस ने पंजाब के CM भगवंत मान से मुलाकात की, जहां जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। केदारनाथ यात्रा में बीमार और अनफिट घोड़े और खचरों का नहीं होगा संचालन, वहां के DM ने दिया निर्देश। भिवानी के तेसोम पहुंचे जजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। अजय चौटाला ने कहा कि बहादुर सिंह की छवि जनता में अच्छी है। वहीं जजपा नेता ने यह भी कहा कि चौटाला परिवार का एक सदस्य लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। झारखंड के पलामू में दिनदहाड़े हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां जिला मुख्यालय मेदिनी नगर से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में कांग्रेसी नेता सहित एक अन्य की हत्या कर दी गई। वहीं कांग्रेसी नेता राजमोहन पोलू हत्या के मामले में जेल से सजा काटकर हाल ही में बाहर आए थे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार कवासी लखमा ने एक चुनावी भाषण में कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगी थी, लेकिन पार्टी ने मुझे ही दुल्हन पकड़ा दी। दुल्हन से उनका तात्पर्य कांग्रेस उम्मीदवारी के लिए टिकट से था। मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक सहित बसपा कांग्रेस के 32 नेता भाजपा में शामिल हो गए, जहां सीएम मोहन यादव ने कहा कि आप सभी का हमारे परिवार में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा ने कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाजपा नेता यहां कंगना के टिकट को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रतिभा ने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम कंगना के उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव मौलवी इमरान रजा अंसारी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन नहीं, यह सिर्फ अल्लाह तय करेगा, उमर अब्दुल्ला नहीं। पूर्व सीएम को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर यह होगा कि मजहब को राजनीति में ना लाएं। बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष पर आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि उन पर सीएम ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने गुरुवार को महाविकास अघाड़ी के साथ सीट साझा करने की बातचीत के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि संजय रावत कितने झूठ फैलाएंगे, अगर हमारे विचार एक जैसे हैं तो हमें MBA बैठकों में क्यों नहीं बुलाया गया। आप BBA के किसी भी प्रतिनिधि को आमंत्रित किए बिना बैठक क्यों कर रहे हैं। गुजरात से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की सजा हुई है, जहां कोर्ट ने 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि उन पर NDPS के तहत मामला दर्ज था। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए ना तो मुस्लिम और ना ही ब्राह्मण नेता को टिकट दिया है, जिससे मुस्लिम और ब्राह्मण दोनों ही नाराज हैं, जबकि BJP ने 2 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है वशिष्ठ तिवारी, सुनील कुमार पाथीपाका, अशोक परमार, करुणा चक्रवर्ती, सुनील कुमार पाथीपाका, DK लाइव न्यूज, अंसारी रशीद, गीता अनुरागी, मेदीलाल मौर्य, प्रयास यादव, ईश्वर दिन विश्वकर्मा, केशव चंद तिवारी, राजेश रॉय, खेम होम थापा, बलेंदु शर्मा, रामदयाल सिंह, कांता प्रसाद, चंद्रजीत, गौतम महतो, रक्ष आर्या, अयोध्या प्रसाद राठौर, दीनाबंधु कलसाई, अभिषेक सिंह नरुका, अशोक आर्या, शिवाजी पटेल, बीरेंद्र कुमार कुशवाहा, काजल कुमार गांगली, प्रवीण कलिता, बलबंत सिंह गिल, बंटी हजारिका, अरुण दांगे, राजेंद्र केलवा, यूजर MZ3, निरंजन जोशी, SP सिंह, शिल्पी बेग बैनर्जी, परशुराम, सत्येंद्र शाह, रणधीर सिंह, राजेंद्र केलवा, बलराम शाह, सतीश चौबे, जोगेश्वर राइटर, PC शुक्ला, सैलो सिंह, प्रहलाद पंडित, KP तिवारी, विनोद तिवारी, सत्येंद्र शाह, सुनील कुमार पाथीपाका, रितेश कुमार और गुडवेज ट्रेवल्स। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।